हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल लर्न इट वन क्लिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा चीज है जो काफ़ी वास्ट सिलेबस है और बैंक्स के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्शन दिलाने के लिए, क्योंकि आप जीए के सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से देखते हैं। जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम करेंट बेसिस पे होते हैं, यानी वो सारी चीज़ें करेंट अफेयर में कवर हो जाते हैं। बट आपको बैंकिंग अवेयरनेस की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इसी बेसिस पर करेंट की उन टॉपिक को चूज करते हैं और सही सही आंसर लगा पाते हैं। ओके, और ये सिर्फ बैंक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको SSC, UPSC, State PSC, रेलवे, सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस से हर जगह वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो न्यू होते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के फील्ड में, उनको डाउट होता है कि कैसे बैंकिंग अवेयरनेस को कवर किया जाए, वो नहीं कर पाते और कहीं बहुत कम प्लेसेस पर कंपोजिट वे में सारे बैंकिंग अवेयरनेस एक जगह अवेलेबल है, और कहीं है भी तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर है, समझ में नहीं आता। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी कंसाइज वे में, मतलब कि आपको आसान भाषा में बोलो तो समझ में आने वाला। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, आवर सक्सेस के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैंने मेंशन कर दिया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ सिलेबस की बात करूंगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, जैसे आपको पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना है, वैसे ही आपका वे किसी भी सक्सेस पाने के लिए जो वे होता है काफ़ी स्मूथ हो जाता है, और साथ ही आप सिर्फ वही चीज़ फॉलो करें जो आपको करना चाहिए और वो ना करें जो नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप मेरे लर्न इट वन क्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए रीजन बताकर, साथ ही साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर मेंशन कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया और किस टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए। ओके, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस बहुत वास्ट सिलेबस है, और आप देखिएगा कि जो सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन उठाए वहाँ पर आप कवर कर पाएंगे। और ये सिलेबस एक क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन से लेकर आर्मी ग्रेड बी की एग्जामिनेशन तक सारे टॉपिक कवर करता है जो जीए की पूछा जाता है। ओके, तो मैं आपको एक लो लेवल के एग्जामिनेशन से लेकर हाई लेवल के एग्जामिनेशन तक की सारे सिलेबस कवर करूंगा, वन बाय वन स्लोली स्लोली इन सिलेबस को कवर कर पाऊंगा, कर दूंगा। ओके, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक कोर बैंकिंग और एक इकोनॉमी, क्योंकि बैंकिंग पेपर में इकोनॉमी भी बहुत पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग में क्या क्या है। सबसे पहले देखिए बैंकिंग हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग हिस्ट्री क्या था। कभी कभी एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट एंड बैंक, सेकेंड है आरबीआई के बारे में हमें थोड़ी जानना होता है कि हाँ, क्योंकि आरबीआई रेगुलेट करता है सारे बैंक को, तो आरबीआई के बारे में डीप स्टडी करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी मार्केट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, करेंट से भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कैपिटल मार्केट। देखिए इतने सारे जो टॉपिक है ना, अगर आपने इतना कवर कर लिया तो आपको जिस बैंकिंग के 60% वेटेज आपने कवर कर लिया। ओके, और ये छोटी मोटी टॉपिक नहीं, देखने में बस ये 6 टॉपिक है, बट ये काफी वास्ट टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक भी है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो 60% टॉपिक यहाँ से कवर हो जाते हैं। ओके, जीए की जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अब बात करते हैं कि क्या क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MCLR, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट सरफेसी एक्ट जो NPA के लिए है, IBC इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, DICGC, टाइप्स ऑफ अकाउंट NRI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए कौन सा अकाउंट होता है, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो एंड लॉरो जो इंटरनेशनल अकाउंट होते हैं क्या डिफरेंस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। स्विफ्ट कोड क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट इंडिया में कौन कौन से ट्रांसफर पेमेंट है, क्या क्या रोल है, वो सब डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ATMs के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ कार्ड्स के ऊपर आते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क, यानी कि
फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, अभी डिफरेंट डिफरेंट रिस्क होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मनी, मनी के कितने टाइप होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। M0, M1, M2, M3, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में जानेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं, NBFC के बारे में हम जानेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जैसे रेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ना है हमें, FPI, FDI, FII, इन सभी में डिफरेंस क्या है, क्यों आजकल न्यूज़ में रहता है। देखिए आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जब इतने से चीज़ आप समझ जाइएगा तो आपको आसान होगा पढ़ने में, आपको समझ में आएगा, और आप जो इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रिहेंसन आता है आप वहाँ पर भी जो फाइनेंशियल रीडिंग कम्प्रिहेंसन होता है आप भी अच्छे से आंसर दे सकते हैं। जो आप ऐसे लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि बैंकिंग अवेयरनेस को अच्छे से पढ़े। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानना है, मसाला बोन क्या होता है, MTSS क्या होता है, RDA क्या होता है, LRS क्या होता है, बहुत सारी चीजें, NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, NEFT और RTGS क्या रोल है नेपाल और भूटान को लेकर, फॉर्म क्रिएटिव एक्शन के बारे में हम जानना है, और फिर वैसे आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ बैंक मैनेजमेंट के बारे में हमें जानना है। सब सिलेबस में बता रहा हूँ आपको। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे हम लोन लेते हैं तो कौन सी सिक्योरिटीज रखते हैं, तो उसमें टाइप्स होते हैं हाइपोथिटेशन, प्लेज, मॉर्गेज, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इन सब चीज़ों के बारे में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। PSLU टाइम प्रायोरिटी सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंड, इसी का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होने बता दूंगा आपको। फिर ये देखिए आजकल बहुत सारे क्वेश्चन NPCI, NACH, QSM, MMID, USSD पर आ रहे हैं। SU क्लियरिंग क्लियरिंग यूनियन के बारे में जान रहे हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, BBPS, IMPS, UPI, भीम के बारे में जान रहे हैं। अब देखिए इकोनॉमिक स्कीम्स के बारे में, देखिए स्कीम्स बहुत सारी पूछी जाती हैं गवर्नमेंट की, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट स्कीम हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो करंट में होंगे उसको करंट अफेयर के सीरीज में हम डिस्कस करते चलेंगे। जो पहला स्कीम्स मेक इन इंडिया कंसेप्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, मनरेगा, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना, प्रधानमंत्री जननी सॉरी ये जे का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो, प्रधानमंत्री जननी जय, तो कंफ्यूज आप को पता करके गूगल करके आप कमेंट बॉक्स में से मेंशन करिए। PMJJBY क्या, मुद्रा लोन के बारे में हम जानेंगे क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना जो अभी रिसेंट में अमेंड हुआ है उसमें क्या क्या है, स्किल इंडिया के बारे में जानेंगे, वन रैंक वन पेंशन के बारे में जानेंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानेंगे हम, फिर मिसलेनियस बहुत सारे टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। ओके अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ कोर इकोनॉमी जो जिस तो क्वेश्चंस आते ही हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो इकोनॉमी पोर्शन है यहाँ से आप सिर्फ बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं, SSC के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देख सकते हैं, रेलवे की एग्जामिनेशन होती है वहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस के पेपर होती है उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ की UPSC या PSC लेवल के एग्जामिनेशन में इन सभी टॉपिक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, RBI ग्रेड बी की जो फेस्टू में इकोनॉमिक ESI की जो पेपर होती है इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्स में आप देख सकते हैं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट क्वेश्चन जो आते हैं क्वेश्चन उसमें देख सकते हैं। अभी ये जो इकोनॉमिक के जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ और डिस्कस करूंगा इससे बहुत सारे पेपर आप क्लियर कर सकते हैं, तो इसको मैं एक सेपरेट ही प्ले लिस्ट में लेकर चलूंगा इकोनॉमी के लिए। ओके जिसमें नेशनल इनकम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में क्या रहा और अभी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, FRDI बिल 2017 क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल एंड ऑर्डिनेंस जो 2018 में भी पार्लियामेंट में पास किया उसके बारे में जानेंगे, क्या है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी 2018 उसके बारे में जानेंगे। ओके तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 10 टॉपिक है इसको हम एक अलग प्लेलिस्ट में लेकर चलेंगे और वहां पर डिस्कस करेंगे, और बैंकिंग वालों के लिए ये दोनों प्लेलिस्ट बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक की जो प्लेलिस्ट है दोनों देखना बहुत जरूरी है। ओके जहां से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे, और मेरा टारगेट ये होगा कि
30 डे 35 डे के अंडर में सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, जिससे आपका जो आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन है उससे पहले हो जाए। और कोशिश करूंगा कि आरआरबी पीओ मेन से पहले बैंकिंग की कंप्लीट वीडियो में सीरीज कंप्लीट कर लूँगा। ओके, तो आप सिलेबस को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक्स, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल।